Hey guys, welcome to the channel and welcome to another video. तो guys, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो 500 के अंदर है उसमें से ही मैंने ये किट बनाया हुआ है. एंड अगर आप एकदम नए हैं और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए मेकअप में, तो फिर ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम बेसिक चीज़ बताऊंगी जो हर किसी के वैनिटी में होनी ही चाहिए. सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही अफोर्डेबल सामान हो, एट द सेम टाइम वो ब्रांडेड भी हो, तो डेफिनेटली आप ये वाला वीडियो पूरा देख सकते हैं, बिकॉज मैं इसमें आपको शेयर करने वाली हूँ अफोर्डेबल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. एंड आई एम श्योर गाइज, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप कर सकते हैं मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है. पर्सनली अगर आप मुझे थोड़ा सा जानना चाहते हैं मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हूँ और थोड़ा सा कनेक्ट फील करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. माई इंस्टाग्राम हैंडल विल बी दिस. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट से, विच इज बाय पॉन्स. एंड आपने मेरे वीडियो में काफी ज्यादा अभी तक सुन लिया होगा इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो. सो दिस इज पॉन्स लाइट मॉइस्चराइजर. ये मॉइस्चराइजर काफी अच्छा है, स्पेशली अगर आप मेकअप के पहले लगाना चाहते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है, आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है. एंड इसके बाद अगर आप मेकअप लगाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन लगेगी. इतना बड़ा टब आपको कुछ मिल जाता है, इसका रुपीज लिखा नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन में डाल दूंगी. सच में नहीं लिखा है इसमें MRP, तो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी. ये अंडर 500 रुपीज ही है. एंड दिस इज रियली रियली गुड बिकॉज इट हैज विटामिन ई. तो गाइस, मेकअप में होते हैं थोड़े से केमिकल, तो उन केमिकल से बचने के लिए आपको अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लाइक मॉइस्चराइजर, यू नो, फेशियल ऑयल्स. अगर आप ये सब लगाते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी सी बची रहती है उन हार्मफुल केमिकल से. सो डेफिनेटली मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट इन योर वैनिटी इफ यू आर बिल्डिंग योर मेकअप किट. फ्रेंड्स, मॉइस्चराइजर के बाद बारी आती है प्राइमर लगाने की, क्योंकि प्राइमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज हमारा मेकअप ताकि टिका रहे काफ़ी लंबे समय तक. और जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइमर मुझे अभी तक मिला है, दैट इज़ बाय नायका प्रेपमिया फेस प्राइमर. ये इतना परफेक्ट है ना, एक तो आपकी स्किन को एकदम स्मूथ कर देता है, बहुत देर तक आपका फाउंडेशन टिका रहता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है फाउंडेशन. और ये आपको मिलता है सिर्फ 499 MRP पे. तो यहाँ पे जो भी मैं वीडियोज़ में आपको दिखा रही हूँ, यू नो, प्राइस, वो सारे MRP प्राइस है. लेकिन अगर आपको डिस्काउंट में चाहिए तो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे भी खरीद सकते हैं. तो ये आपको 500 के अंदर बहुत सस्ते में ये वाले किट्स पड़ जाएंगे. तो ये 499 का है MRP, कोई डिस्काउंट का मैंने प्राइस नहीं बताया. एंड दिस इज वर्थ इन्वेस्टिंग गाइस. अगर आप फर्स्ट टाइम प्राइमर खरीदना चाह रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट. दिस You will gonna love it. आप लिख के ले लीजिए, बहुत प्यारा है, मेरी रिकमेंडेशन पे आप खरीद सकते हैं. एंड इट्स अ इन हाउस ब्रांड ऑफ नायका, बिकॉज ये नायका ब्रांड का ही है. एंड नायका अभी इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा एस्टेब्लिश ब्रांड हो चुका है. जानवी कपूर एंडोर्स करती हैं उसके सारे काफ़ी प्रोडक्ट्स. सो डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट नायका प्रोडक्ट्स एंड इट विल नॉट हार्म योर स्किन एंड इट इज़ अमेजिंग 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 प्रोडक्ट. सो फ्रेंड्स, फाउंडेशन में मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगी बाय मेबलिन फिट मी. एंड मेबलिन के प्रोडक्ट्स आर सुपर अफोर्डेबल एंड अमेजिंग. मेबलिन इज अ ड्रग स्टोर ब्रांड और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. मेरे पास है इनका मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन और ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है. आप कोई भी स्किन टाइप के हों आप ये वाला लगा सकते हैं, बिकॉज दिस हैज़ अमेजिंग कवरेज एंड दिस इज अंडर 500 रुपीज. आई एम इन द शेड 310. अगर आप मेरे शेड के हैं तो आप ये वाला शेड ट्राई कर सकते हैं. और ये आपको अच्छा खासा बॉटल में मिल जाता है. आजकल तो ये पंप में आता है, तो मेरे पास ये पुराना फाउंडेशन रखा था जो पंप वाला नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है, लेकिन अब ये पंप में भी मैंने शायद देखा है आता है. एंड अगर आप इतने महंगे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लाइक ये 500 का है कुछ, तो फिर आप इसका छोटा वर्जन ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ मेबलिन फिट मी. सेम शेड है 310 सन बेज, और ये दोनों एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है. बस ये ट्यूब पैकेजिंग में है और ये ग्लास पैकेजिंग में आपको मिलता है. एंड ये वाला फाउंडेशन गाइज आपको मिल जाता है 299. तो 300 में आपको फाउंडेशन मिल रहा है, वो भी ब्रांडेड. इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है गाइज, कि आपको इतना अफोर्डेबल चीज़ मिल रहा है वो भी 299 में. एंड यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दीज टू बॉटल्स. फर्स्ट ट्राई दिस आउट, बिकॉज आप बिगनर है तो आपको ये छोटा वाला ट्राई करना चाहिए. सो फ्रेंड्स,
गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट है कंसीलर एंड अगर आपके काफी ज्यादा डार्क स्पॉट्स हैं या फिर एक्ने प्रोन स्किन है और इसके मार्क्स छूट गए हैं और आपको उन मार्क्स को छुपाना है तो बेस्ट कंसीलर आई कुड फाइंड इज बाय वेट एंड वाइल्ड. ये वाला जो वेट एंड वाइल्ड कंसीलर प्लस करेक्टर है ये सबसे अच्छी चीज ये है, तो आपको करेक्शन के लिए कोई और कंसीलर यूज करने की जरूरत नहीं है. और वेट एंड वाइल्ड इज अ क्रुएल्टी फ्री ब्रांड और ये वाला यूएस बेस्ड ब्रांड है. जैसे अपने इंडिया में ब्लू हेवन एकदम यू नो नॉर्मल इंडियन ब्रांड है, वैसे ये यूएस बेस्ड ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ते अवेलेबल है. वेट एंड वाइल्ड के सारे प्रोडक्ट का क्वालिटी एवरीथिंग इज सो अमेजिंग, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है गाइस. अगर आप ट्राई करना चाहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम यू कुड ट्राई मेबलिन वेट एंड वाइल्ड लैक्मे डिजॉल प्रोडक्ट्स एंड डेफिनेटली यू गाइज विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. और यहाँ पे जो मेरे पास शेड है दिस इज इन द शेड मीडियम टाउनी और यह आपके अंडर आई को काफ़ी अच्छे से ब्राइटन कर देता है, एकदम डार्क स्पॉट्स छुपा देता है. और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल कंसीलर में अंडर 500 रुपीज़ यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. तो फ्रेंड्स कंसीलर के बाद बारी आती है हमारे फेस को पूरा सेट करने की और सेट करने के लिए मेरे पास अगेन वेट एंड वाइल्ड की तरफ से ही है दिस इज देयर प्रेस्ड पाउडर और ये कॉम्पैक्ट बहुत प्यारा है. एक तो इसकी पैकेजिंग इतनी लग्जूरियस होती है, लुक एट दैट, इट लुक्स ब्यूटीफुल, एकदम अच्छा सा कॉम्पैक्ट है और दिस इज इन द शेड गोल्डन टैन. बहुत प्यारा कॉम्पैक्ट है, पूरे फेस को बहुत अच्छे से सेट कर देता है. आपका कंसीलर टस से मस नहीं होगा अगर आप ये वाला कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मुझे मिला था. आई गॉट इट फॉर लाइक 250 रुपीज़. इसका MRP है 499, तो अगर आपको डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा है तो आप 499 पे भी खर्चने में सोचेंगे नहीं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट है. इस कॉम्पैक्ट के बाद बारी आती है अगर आप ब्रॉन्जर में इंटरेस्टेड है तो ब्रॉन्जर आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज मुझे लगता है कंटोरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वेयर एज ब्रॉन्जर यूज़ करना बहुत सिंपल होता है. तो मेरे पास यहाँ पे शुगर का ब्रॉन्जर है एंड दिस इज कंटोर द फोर्स मिनी ब्रॉन्जर इन द शेड बूटी वंडर. ये बहुत सारे आपने मेरे ट्यूटोरियल्स में देखा रहेगा अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं. सो ये बहुत ही प्यारा ब्रॉन्जर है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, आपको बस साइड में लगाना है एंड यू आर डन. तो मुझे ब्रॉन्जर्स यूज़ करना आजकल काफ़ी पसंद आ गया. कंटोरिंग का ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आपका कंटोरिंग से फेस खराब भी हो सकता है. सो सेफेस्ट ऑप्शन होता है ब्रॉन्जर यूज़ करना और ये आपके नोज़ वगैरह को काफ़ी अच्छे से शेप में ला सकता है. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है बाय शुगर एंड शुगर के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं गाइस. आई डोंट नो वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों नहीं है लेकिन आप उनका कोई भी प्रोडक्ट उठा के ट्राई कर लीजिए एंड यू विल लव इट. उनका प्रोडक्ट क्वालिटी इतना अमेजिंग होता है. शुगर के प्रोडक्ट्स में कभी जल्दी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑफर्स मिल जाएंगे या फिर 5-10% मिल जाएगा, बट यू विल नेवर एवर गेट 15-20% ऑफ ऑन शुगर. दिस ब्रांड इज अमेजिंग, आई कॉन्ट स्टॉप रेविंग अबाउट इट. इसके लिपस्टिक्स मेरे फेवरेट हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे इसकी पसंद है एंड डेफिनेटली यू कैन ट्राई आउट दिस ब्रॉन्जर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी अफोर्डेबल ब्रॉन्जर. नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास जो है ब्लश एंड ब्लश ये है मेबलिन का एंड आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा रहेगा गाइज कि ये वाला मेबलिन ब्लश काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं बिकॉज ये है इतना क्यूट, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है. ये मेरे पास काफ़ी टाइम से लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है एंड आई रियली लव यूजिंग इट. द शेड आई एम हियर इज द शेड आई हैव हियर इज फ्रेश कोरल. ये चीक्स पे लगाते हैं, इतना प्यारा ब्लश देता है, मैंने आज लगाया हुआ है. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्डेबल है, आपको जितना पिंक चाहिए जितना आपको पिगमेंटेशन चाहिए आपको इसमें मिल जाता है, तो आप आराम से बिल्ड कर सकते हैं एंड दिस इज सुपर 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 अफोर्डेबल. इससे सस्ता ब्लश मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ है एंड ब्रांडेड में मैं बात कर रही हूँ एंड अगेन दिस कम्स फ्रॉम दी ब्रांड मेबलिन एंड आई टोल्ड यू मेबलिन इज सच अ गुड ब्रांड और आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू आर अ बिगनर एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्लश. देयर यू गो. सो अगर आप बिगनर हैं तो एक अच्छा हाईलाइटर तो बनता ही है एंड आई हैव हियर अगेन माय मेबलिन मास्टर क्रोम फेस स्टूडियो हाईलाइटर. मैंने आपको यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं एकदम बेस्ट क्वालिटी के दिखाए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगे या फिर नुकसान कर जाए, सारी चीज़ें एकदम बेस्ट है. एंड अगेन दिस हाईलाइटर आपने सुना रहेगा काफ़ी लोगों के मुंह से कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका पिगमेंटेशन इतना अच्छा है. ये अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं और थोड़ा डस्ट के स्किन टोन के हैं तो फिर आपकी स्किन पे बहुत अच्छा जाएगा. इसमें शेड्स आते हैं, अगर आप फेयर हैं तो आपको शेड्स भी मिल जाएंगे. आई मीन द शेड 100 मोल्टेन गोल्ड एंड दिस शेड इज़ अमेजिंग. अगर आप दूसरे ब्लॉगर्स को फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि एवरी वन रेव अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज़ रियली रियली वर्थ इन्वेस्टिंग एंड सुपर अफोर्डेबल.
सो लास्ट फेस प्रोडक्ट है मेरे पास सेटिंग स्प्रे. अभी इतना मेकअप करने के बाद सेट करना जरूरी है. एंड आई हैव हियर इज बाय वेट एंड वाइल्ड मिनी मैट सेटिंग स्प्रे. अगर आपके ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली ये मिनी मैट वाला आप यूज कर सकते हैं. अदरवाइज इनके और भी वेरियंट्स अवेलेबल हैं सेटिंग स्प्रे में. आपको व्हाइट कलर का एक बॉटल मिल जाएगा, वो भी काफ़ी अच्छा है. दिस गिव्स यू मैट फिनिश. अगर आपको थोड़ा ड्यूई पसंद है तो फिर आप दूसरा वाला इनका ट्राई कर सकते हैं. ओ माई गॉड, दिस इज रियली गुड प्रोडक्ट इफ इट कम्स टू यू नो सेट योर फेस. आप इससे जब सेट कर लेंगे अपना फेस, एक तो पाउडरी नहीं लगेगा आपका फेस, और दूसरा चीज़ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है, और सारी चीज़ें एकदम मिक्सअप लगेंगी. ऐसे लगेगा नहीं कि आपने कुछ भी अलग से यू नो अप्लाई कर रखा है पाउडर. तो ये उसको बहुत अच्छे से सेटल कर देता है. एंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ अगेन सुपर अफोर्डेबल, और मुझे काफ़ी पसंद आते हैं वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल सेटिंग स्प्रे, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. फ्रेंड्स, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया आई शेडो जिसमें आपको न्यूट्रल शेड्स, डार्क शेड्स सब कुछ मिल जाए, तो वो अगेन इज बाय वेट एंड वाइल्ड. इसमें ज़्यादातर न्यूट्रल शेड है, सिर्फ एक ही आपको डार्क शेड मिलता है. ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल पैलेट है, बहुत ज़्यादा सस्ता है. यहाँ पे आपको दो यू नो ग्लिटर शेड्स मिल जाते हैं. तो अगर आप बिगनर हैं डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस पैलेट आउट, बिकॉज इससे बेस्ट पैलेट मैंने अभी तक इतना ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में देखा नहीं है. और अगर आपको पता है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए, बिकॉज आई वुड लव टू ट्राई दिस पैलेट. इज अमेजिंग एंड ओ माई गॉड, मैं इसकी कितनी तारीफ करूँ. मैंने 3-4 बार यूज़ करा है एंड आई फेल इन लव विद इट. इसके सारे शेड्स बिल्कुल भी चौकी नहीं है, कितने सारे भी लुक क्रिएट कर सकते हैं. प्लस अगर आपको सिंगल शेडोज यूज़ करें तो आप वो भी कर सकते हैं. आप इसके साथ बहुत सारे लुक्स के साथ खेल भी सकते हैं. तो श्रेया जैन ने आई थिंक एक वीडियो किया था इस पैलेट को लेकर, वे शी हैज शोन 8 to 10 looks और 12 looks आई डोंट रिमेंबर, बट उन्होंने इसके साथ बहुत सारे लुक्स ट्राई करे हुए हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके बहुत सारे लुक्स देखने के लिए, तो आप श्रेया जैन का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बॉम्ब, रशिया की भाषा में बोला जाए, बिकॉज वो हर चीज़ को ना बहुत मस्त तरह से बोलते हैं, bomb.com. सो डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली bomb.com. फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप प्रोडक्ट में मेरे पास है ये आई पेंसिल, एंड दिस इज बाय मेबेलिन कॉलोसल, यू गाइज नो. और अगर आप काजल फैन नहीं, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको काजल लगाना पसंद है, ये बहुत अच्छा काजल पेंसिल है एंड बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट में. एवरी वन इज़ यूजिंग इट एंड दिस इज़ रियली नाइस प्रोडक्ट. मतलब काफ़ी अच्छे से ग्लाइड हो जाता है, थोड़ा सा स्टेइंग पावर भी है, थोड़ा सा कम स्मच होता है, एंड दिस इज़ रियली अफोर्डेबल एंड अमेजिंग प्रोडक्ट. नेक्स्ट टाइप प्रोडक्ट में है गाइज लाइनर, एंड मैं जो लाइनर आपको शेयर करने वाली हूँ, आई थिंक बहुत सारे लोगों के घर में होगा, और अगर नहीं है तो प्लीज़ लाइए, क्योंकि लैक्मे इंस्टा लाइनर से अच्छा मुझे आज तक कोई भी लाइनर नहीं लगा. मेरे हाथ किसी भी लाइनर पे नहीं बैठे. मैं बेस्ट विंग लाइनर इससे ड्रॉ कर सकती हूँ. ये पानी से भी नहीं जाता है, अगर जब तक आप रब नहीं करें अपने आँखों को. तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे. आप रो लेंगे ना तो भी आपका लाइनर नहीं छूटेगा. प्लस अगर आपका काजल फैलता है तो नीचे लगाना. बहुत सारे फायदे हैं यार इस लाइनर के. मतलब आई जस्ट कांट स्टॉप रेविंग अबाउट दिस लाइनर, बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज सो अफोर्डेबल एंड सुपर हीरो ऑफ ऑल दी लाइनर्स. गाइस, ये ना स्टार्टिंग में आता था कुछ 55 rupees का, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ के कुछ 100 हो गया है. बट आई थिंक उस हिसाब से भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड यू शुड ट्राई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आउट देयर. दिस इज रियली रियली अमेजिंग. नेक्स्ट टाइप प्रोडक्ट आई हैव हियर इज मस्कारा, एंड ऑब्वियसली हम अपने लैशेज को कैसे भूल सकते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे मेबेलिन कॉलोसल मस्कारा है. ये वाला पर्टिकुलर मस्कारा इज बेस्ट फॉर बिगनर, बिकॉज ये आपके लैशेज को लेंथन करता है, कर्ल करता है, थिक दिखाता है. तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक मस्कारा में मिल जाती हैं, एंड मेबेलिन से बेटर मस्कारा कौन से हो सकते हैं यार मार्केट में. मेबेलिन के सारे मस्कारा ना एकदम हाई एंड ब्रांडेड मस्कारास को भी फेल कर देते हैं. आप अगर 1000 का मस्कारा खरीद लो या 2000 का खरीद लो, लेकिन मेबेलिन को कोई बीट नहीं कर सकता. एंड नो डाउट दिस पर्टिकुलर यू नो मेबेलिन मस्कारा रेंज इज अमेजिंग. आप इसका फॉल्सीज ट्राई कर लीजिए, इसका लैश सेंसेशनल ट्राई कर लीजिए, जो भी ट्राई करना कर लीजिए, मेबेलिन के मस्काराज आर ऑलवेज विनर. सीरियसली, आप कोई भी उठा लीजिए, बहुत अच्छे मस्काराज आते हैं. एंड मेरे पास यहाँ पे कॉलोसल है, बिकॉज इसका वॉन्ड बहुत अच्छा है, आप इसे बहुत अच्छे से लगा सकते हैं मस्कारा. आपको बहुत ईजी होगा इसको होल्ड करने में, बिकॉज इसका कैप काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल आता है. आई थिंक
ये पर्टिकुलर मस्कारा इज ऑफ 400 बट डिस्काउंट में मुझे ये 315 का मिला था एंड आपको डिस्काउंट में काफी सस्ते मिल जाते हैं मेबलिन के प्रोडक्ट्स। कमिंग टू द लिप्स गाइस, लिप्स के लिए मेरे पास है यहाँ पे लिप बाम एंड दिस इज बाय द ब्रांड बॉडी रिन्यूअल थेरेपी। अगर आप इसे एज अ नाइट लिप बाम लगाना चाहते हैं तो ये अमेजिंग है, क्योंकि मैंने इसे नोटिस करा है कि ये ना 15 से 20 मिनट में आपकी कितने भी चाप लिप्स हो बहुत अमेजिंग वर्क करता है। तो अगर आपके होंठ फटे हुए हैं और आपने पहले ध्यान नहीं दिया 2-3 घंटे पहले कोई भी लिप बाम लगाने के लिए, तो आप ये वाला लिप बाम ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये 20 मिनट में जब तक आप पूरा फेस का मेकअप करेंगे ना और लिपस्टिक पे आएंगे तब तक ये अपना काम कर चुका होगा। आप अच्छे से वाइप ऑफ करके ये लिप बाम लिपस्टिक लगा सकते हैं एंड दिस प्रोडक्ट इज रियली रियली अमेजिंग। और इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है, जब आप लिप्स पे लगाते हैं तो इस पे कलर भी कुछ भी नहीं आता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एज अ लिप बाम एंड दिस इज रियली अफोर्डेबल। इट कॉस्ट ओनली 40 रुपीज़, 40 रुपये में आपको इतना अमेजिंग प्रोडक्ट मिल रहा है। सो या यू शुड ट्राई दिस आउट। सो गाइस, लास्ट प्रोडक्ट की बात करें तो लास्ट प्रोडक्ट के लिए लिपस्टिक्स है एंड लिपस्टिक तो मार्केट में यार बहुत सारे अवेलेबल है एंड मुझे लगता है कि वेरिएशंस रहते हैं लिपस्टिक में, आपको एक शेड नहीं बता सकती हूँ बिकॉज सबकी पसंद अलग होती है। मुझे रेड्स बहुत पसंद है, मुझे रेड लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को न्यूड्स बहुत पसंद होती हैं, सो इट ऑल डिपेंड्स। मेरे पास यहाँ पे एलेटीन है एंड एलेटीन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है, 100-120 में आपको मिल जाती है इनकी मैट लिपस्टिक, कहने के लिए मैट होती है बट दीज आर क्रीमी मैट। और ये वाला शेड बहुत अच्छा है, दिस इज पिंक स्पाइस, दिस इज न्यू शेड विच आई एम अप्लाइंग करेंटली और इस तरह का टेक्सचर है, आप देख सकते हैं थोड़ी सी ग्लॉसी लगती है और काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। अगर आप कोई मेकअप वेयर नहीं करते हैं एंड ये वाली लिपस्टिक लगाते हैं तो भी आपको बहुत अफोर्डेबल। सो गाइज, ये था मेरा ब्रांडेड अफोर्डेबल मेकअप किट अंडर ₹500। आई होप गाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ रहेगा और आप अगर ये सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करेंगे आई स्वेयर यू गाइज विल गोना लव इट। आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी कि पूजा ने गलत प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया है, और मुझे लगता है कि यार हर किसी के पैसे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार मनी। हम 50 रुपये की भी वो ख़राब चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब मेरे को अगर 20 रुपये भी यू नो बेकार चीज़ पे डालने पड़ जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़। तो मुझे पता है कि यार क्या वैल्यू होती है पैसों की एंड इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और जो बेस्ट था वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।